कांग्रेस पार्टी ने 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के ब्रजलाल खाबरी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके साथ ही राज्य में 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। प्रांतीय अध्यक्षों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव और योगेश दीक्षित के नाम शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में निराशाजनक परिणाम आने के बाद अजय कुमार लल्लू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके करीब 6 महीने बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई है। अजय कुमार लल्लू के इस्तीफे के बाद यूपी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। किसी ब्राह्मण या SC चेहरे को नया राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बातें पार्टी के हलकों में सुनी जा रही थी। इनमें सबसे आगे प्रमोद तिवारी और PL पुनिया का नाम चल रहा था। कुछ लोगों ने प्रमोद कृष्णम के भी यूपी के नए कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बारे में अटकलबाजी शुरू की थी। अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। नए अध्यक्ष बनाए गए ब्रजलाल खाबरी एक पूर्व सांसद हैं। वे इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय SC विभाग के उपाध्यक्ष हैं। इन नई नियुक्तियों को प्रदेश में संगठन की मजबूती बढ़ाने और जातिगत संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।